मध्य प्रदेश में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आगामी विधानसभा चुनाव के पहले मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही अपने किले मजबूत करने में लगी हुई है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की कमजोर कड़ी ग्वालियर चंबल संभाग में देखी गई थी, जिसका नुकसान उन्हें सरकार खोकर चुकाना पड़ा था। लेकिन उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में आ जाने से ग्वालियर चंबल में बीजेपी की स्थिति मजबूत हुई है। वहीं कांग्रेस अपने पुराने कारनामों को दोहराने के लिए पूरी ताकत के साथ ग्वालियर चंबल में जुटी हुई है। इस वक्त दोनों पार्टी मध्य प्रदेश में मजबूत से मजबूत प्रत्याशी को चुनाव में उतारने की कोशिश कर रही है। एक तरफ कांग्रेस ने जहां ग्वालियर चंबल संभाग को साधने के लिए अपने वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को कमान सौंपी है, तो वहीं दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया चंबल और उसके आसपास के इलाकों में बीजेपी का परचम बुलंद किए हुए हैं। इसलिए राजनीतिक पंडितों का मानना है कि इस बार बीजेपी और कांग्रेस के बीच ग्वालियर चंबल में टक्कर कांटे की होने वाली है, जिसमें राजा और महाराजा एक दूसरे को चुनौती देते हुए नजर आएंगे। वहीं आंकड़ों पर नजर डाले तो ग्वालियर चंबल संभाग के अंतर्गत 34 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस ने बीते चुनाव में 28 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में आ जाने से समीकरण बदल गया, जिसके बाद बीजेपी मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाने में कामयाब रही। वही जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि कांग्रेस ने जहां ग्वालियर चंबल संभाग को साधने के लिए अपने दिग्गज नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को कमान सौंपी है, जिसके बाद दिग्विजय सिंह अपने राजनीतिक गुणों से ग्वालियर चंबल में मजबूती बना रहे हैं। दूसरी ओर बीजेपी के लिए चुनौती इसलिए भी कड़ी है क्योंकि कांग्रेस से बीजेपी में गए नेताओं के कारण बीजेपी का स्थानीय समीकरण बिगड़ गया है, जिसके चलते कई नेता और कार्यकर्ता आंतरिक रूप से नाराज बताए जा रहे हैं। पुराने और नए कार्यकर्ताओं के बीच संयोग नहीं देखने को मिल रहा है। उसका उदाहरण ग्वालियर के नगर निगम चुनाव में देखने को मिला था, और 50 साल के लंबे वक्त के बाद बीजेपी महापौर का चुनाव हारी थी।